छत्तीसगढ़ में ज्यादातर क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहीं जशपुर जिले में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। इस बारे में आलोचना झेल रहे जशपुर विधायक विनय भगत से स्वराज एक्सप्रेस ने खास बातचीत की। विनय भगत का कहना है कि जशपुर भाजपा का परंपरागत गढ़ रहा है और वहां पर नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। निकाय चुनाव और जशपुर में पार्टी की स्थिति को लेकर विनय भगत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमारी जो कांग्रेस की सरकार, किसान हितैषी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की जो अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसका लाभ लेते हुए मैंने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया कि हमारा जशपुर जिला, जशपुर का क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत प्रतिभावान लोग वहां पे निवासरत करते हैं, खिलाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे ओलंपिक में भी खेले हैं हमारे जशपुर के लोग। तो वहां जो एस्ट्रोटर्प का जो हॉकी स्टेडियम जो बनने का था, जो पेंडिंग था 2003 से, उसको मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और चूंकि वो खेल की दिशा में बहुत उत्सुक रहते हैं कि वो खेल को महत्व देते हैं, तो उन्होंने बहुत जल्दी ही आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्दी एस्ट्रोटर्प का मैंने वो कर लेंगे। और देखिए, मैं बहुत उसके लिए बहुत अथक प्रयास किया हूं और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि NES कॉलेज का जो मैदान है उसमें एस्ट्रोटर्प का मैदान बहुत जल्दी बनेगा। और दूसरी बात, सन्ना को मैंने तहसील बनाने का जो प्रयास किया हूं अभी प्रक्रिया में है और हर जगह मैं जाके जैसे टावर वगैरह लगाने की जो बात हुई थी, BSNL और जियो टावर, मैं प्रयासरत हूं। आजकल गांव विहीन, मैंने क्या बोलेंगे, जहां पर जिसे लोग मोबाइल का यूज नहीं कर सकता था, आज वो गर्व के साथ बोल रहा है कि यहां पे टावर लग गया है। और दूसरे दो तीन जगह हैं जो पुलिया बहुत पेंडिंग था, जैसे लावा नदी में बूमतल से लेके खसोता, वो हो गया है। और बहुत सारे रोड हैं वो भी सेंक्शन हो गया है, वो प्रगति पे है कि बहुत जल्दी लोगों को परिवर्तन दिखेगा। ये सब बातें हैं जी। सरकार की योजनाओं का आदिवासियों के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है? अभी सबसे बड़ी बात है कि पहले उस बात को लोग पहुंचाए या नहीं पहुंचाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं आदिवासी बहुल, चूंकि जशपुर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहां पर मैं कोरवा लोगों के बीच में जाके, नगेसिया लोगों के बीच में जाके उनके अधिकार को मैं बता रहा हूं और उनसे मैं उनको आगाह भी कर रहा हूं और उनसे आग्रह भी कर रहा हूं, यदि किसी को इलाज की आवश्यकता है तो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार जो योजना जो चालू की है कि आप लोग निःशुल्क 20 लाख तक का इलाज करा सकते हैं और APL वालों को भी, मैंने जो बातें हैं वो 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं राशन कार्ड दिखा के। तो ये सब योजना है, बहुत अच्छी अच्छी योजना मैं लोगों को बताने में लगा हूं और इसका प्रतिदिन परिवर्तन दिख रहा है कि लोग मेरे पास आ भी रहे हैं। देखिए, जशपुर के संदर्भ में बोलना चाहता हूं कि पहले जशपुर के कोई सा भी वार्ड में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिलता था और हमें बहुत गर्व है कि अभी पूरे 20 का 20 वार्ड में कांग्रेस के कैंडिडेट लड़े और बहुत दमदारी से लड़े हैं और जोश खरोश के साथ उन्होंने फाइट किया है। जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में नगर निगम में और नगर पालिका में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही रिजल्ट आने वाला जो नगर, मैंने क्या बोलते हैं, पंचायत चुनाव, उसमें दिखेगा, इसका लाभ जरूर मिलेगा आपको। जशपुर, प्रकृति की गोद में बसा जशपुर, सुरम्य वादियों के बीच में बसा जशपुर बहुत ही सुंदर है। और कहां कुल्लू मनाली, कहां शिमला दार्जिलिंग, अब जशपुर आएंगे बिल्कुल भूल जाएंगे, यही है सब कुछ। और देखिए, जशपुर में जो पर्यटन की जो स्पॉट हैं बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं, धार्मिक दृष्टि से जो कैलाश गुफा का जो वहां पर कैलाश गुफा है और राजपुरी फॉल है और धार्मिक स्थल आपका अघोरेश्वर जो सोगड़ा का जो आश्रम है, ये सब बहुत सारे चीज हैं, रानीदा है और देश देखा है, बहुत अपार संभावनाएं हैं। और आपका बेल महादेव पहाड़ जशपुर के 2 किलोमीटर बसा हुआ है पहाड़ में, ये सुंदर सुंदर पहाड़ी मूर्ति मंदिर हैं जो लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले और
लोग इसका लाभ ले पाए। और सबसे बड़ी चीज आजकल जो जसपुर में जो प्रसिद्ध हुआ है चाय का बगान, और ये देखने को मिला कि आसाम और दार्जिलिंग की चाय से भी अच्छी क्वालिटी की चाय हमारे जसपुर में है। सारोडी की चाय ले लें और सोगड़ा की चाय ले लें, बहुत अपार संभावना है। और सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही चाह रहे हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा इसमें चाय बगान लगाएं और लोगों को इसमें उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इस प्रकार से मैं भी पहल करता हूं और कर भी रहा हूं। अगली हम जो टारगेट लिए हैं 500 एकड़ में चाय लगाने का है। ये सब संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीज है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है।